आज हमारे पास ये रिपेयरिंग होने के लिए आया है जिलियो प्लस 1100 भी है। ये लुमिनस का है, ये डिजिटल डिस्प्ले वाला है, यहाँ ऑन है और ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका जो मैन सेंसिंग ट्रांसफार्मर रहता है ये किसी कारण से ख़राब हो गया था, तो ये हमारे पास नहीं मिल रहा था, तो एक दूसरे सर्किट का, ओल्ड सर्किट का निकाल के हम इसी मॉडल में था तो यहाँ पे लगा दी, तो हमारा काम हो गया है। तो अब इस पर हम आउटपुट चेक कर रहे हैं और इसका हम आज ड्राइवर भी देखेंगे कि चारों चैनलों पे कितना कितना आता है और ड्राइवर कितने तरह के चेक होते हैं, जो पल्सेस ड्राइवर हैं इसके मॉस्फेट के चैनल के, हम आज चेक करेंगे, कम से कम 2-3 तरह से चेक करके आपको बताएंगे। ये आउटपुट है, ये ऑन कर दिए, यहाँ पे एलईडी बल्ब, ये इसमें स्विच में एलईडी जल रहा है, ये ऑन बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और ये ऑफ कर दिए, बल्ब भी बंद हो गया, इंडिकेटर ये स्विच भी बंद हो गया, और यहाँ पे ऑन कर दिए ये बल्ब, बल्ब हमारा बल्ब ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, यहाँ पे निकाल दो। और जो है यहाँ पे हम पल्स भी मैंस, सबसे पहले मैंस लगा के दिखा दे रहे हैं चार्जिंग वगैरह, उसके बाद में पल्स चेक कर रहे हैं। ये मैंस लगा रहे हैं, मैंस दे दिए, ऑन करती हैं और यहाँ पे अब देख रहे हैं क्या बता रहा है, ये भी 00 हो गया, बैटरी का इंडिकेटर देने लगा, यानी बैटरी चार्जिंग होने लगी। नीचे लिखा हुआ ये और कुछ भी लिखा हुआ है इसके, ये इधर ये को चार्जिंग का सिंबल दे रहा है, ये यहाँ पे लिख के आ भी रहा है कुछ, तो ये कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे फंक्शन बता रहा है, और ये एम्पेयर जो है एम्पेयर मीटर पे चेक करा दे रहे हैं, ये हमारा एम्पेयर लगभग 18-20 के आसपास एम्पेयर है, बैटरी हमारा चार्ज, इसलिए धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है। और अब इसका हम मेंस कर, अब ड्राइव पल्स चेक करा रहे हैं, मेंस निकाल दिए हैं और अब ड्राइव पल्स इसका चेक करवा दे रहे हैं कितने तरह का, ये किस तरह चेक किया जाता है। ये जो छोटे वाले चैनल होते हैं जिसे नेगेटिव चैनल बोलते हैं, ये एक तरफ चेक करेंगे तो 8.5 के आसपास आ रहा है, बैटरी चार्जिंग अगर कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, फ़िलहाल ये 8.46 के आसपास बता रहा है। और प्लस साइड पे दोनों तरफ हमारा इतना ही बताएगा, और प्लस साइड पे लगा रहे हैं तो ये हमारा 5.6 के आसपास बता रहा है, इधर भी 5.6 बताएगा, इधर भी 5.6 बताएगा। ये एक प्रॉब हम निगेटिव पे लगा रहे हैं, एक प्रॉब निगेटिव से लगाए हैं, और ये निगेटिव से जो है ये नेगेटिव से चेक करेंगे, हम एक प्रॉप लगाएंगे नेगेटिव पे और एक प्रॉप पल्स वाले लगाएंगे, जहाँ पे ड्राइव पल्स हमारा निकल के आता है, तो लगभग 7.8 बैटरी जिस तरह से चार्ज डिस्चार्ज हो, वोल्टेज उस पर डिपेंड करता है, उसी तरह से हमारा ये यहाँ पे रहेगा, तो ये दोनों तरफ एक जैसा बताएगा 7.8 और प्लस की तरफ, और हम नेगेटिव यहीं पे लगा के रखेंगे, ये प्लस वाले तरफ चेक कर रहे हैं इधर, तो ये हमारा कितना बता रहा है 5.6 के आसपास, तो इधर हमारा दोनों तरफ उतना ही बताएगा और इधर भी उतना ही बताएगा। अब हम इससे रेफरेंस इससे भी चेक करके बता दे रहे हैं
अब जैसे हम ये एक नेगेटिव चैनल से एक रेफरेंस ले रहे हैं नेगेटिव वाला प्रॉब, और मेन प्रॉब जो पॉजिटिव लाल वाला है प्रॉब हम उधर लगा रहे हैं, तो 4.6 के आसपास बता रहा है। इस तरह से चेक करेंगे तो इधर दोनों बराबर बताएगा, और फिर पॉजिटिव ये रेफरेंस लेंगे हम, पॉजिटिव से रेफरेंस लेंगे और फिर पॉजिटिव चैनल पे इधर चेक करेंगे पल्स तो 6.4 बताएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे हमारा एसी कितना आ रहा है, ये एसी तो हमारा यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा 6.8 के आसपास इस दोनों चैनल पे बताएगा ये हमारा, यानी ड्राइव पल्स ओके रहेगा तब इस तरह से बताएगा, और दो इधर बराबर बताएगा दो इधर बराबर बताएगा तभी ये चलेगा। अगर ज़रा सा कुछ एरर रहेगा इसमें, कोई रेजिस्टेंस जीनर या आईसी में कोई भी दिक्कत रहेगी या कोई पीएफ ख़राब रहेगा तो ये चल नहीं पाएगा, हमारा ओवरलोड पे चला जाएगा। ये हमारा ओके सिस्टम हो गया, हमारा बस यही ख़राब था जिससे माइंस और चार्जिंग नहीं हो रही थी, दूसरा लगा दी पुराने सर्किट में से एक, ये हमारा ओके हो गया।